This story is written by Sanal Kumar Reddy. Name of the story is Junajun. The story is only for the little children. यह कहानी सनल कुमार जी ने लिखा था। यह कहानी का नाम है जुनाजुन। यह कहानी छोटे बच्चे के लिए थी। जुनाजुन गुजरात का गोचपुर गांव में जुनाजुन नामक एक लड़का रहता था। वह बेवकूफ और कमजोर लड़का था। इसी कारण सब लोग उनको देखने से हांफते थे। वह एक दिन एक घोड़े को देखा था। घोड़ा इधर उधर घूमते रहते थे। घोड़े को देखा तो जुनाजुन उसके सामने आया और जेब से लेकर मिठाई उसको दिया। घोड़ा बहुत चाव से यह मिठाई खाई। जुनाजुन घोड़े को ऊपर चढ़ाने की आग्रह पर किया। घोड़ा बहुत खुशी से चुका गया। वह जल्दी से घोड़े के ऊपर चढ़ गया। घोड़े के ऊपर बैठने से उनका मन में बहुत खुशी आया। इसके बाद घोड़े बहुत तेजी से दौड़ा और दौड़कर बहुत दूर तक चला। कई कई ग्रामों और शहरों को पाकर वह बहुत भयानक जंगल में आया। वहां कोई नहीं डरता। जंगल को देखकर जुनाजुन बहुत डर हो गई। जुनाजुन घोड़े के ऊपर से उतरा। जंगल में देखने से इधर उधर बहुत गधे चलते रहते थे। सब गधे मनुष्य की तरह बोलते है। जुनाजुन को देखने से सब कुछ मिलकर बोला, ये तो हमारा रसोई है। इनका आगमन के लिए उनका स्वागत करना हमारा कर्तव्य है। सब गधे नाचकर गाकर उनका स्वागत किया। सब गधे के साथ एक छोटी और सुंदरी गधा भी है। सब गधे एक साथ कहा था कि यह हमारा सुंदरी गधा है। जुनाजुन तुम भी हमारा रसोई था। इतना समय तक तेरा प्रदेशा में हम खड़े रहे थे। ये खूबसूरत गधे को तुम विवाह करना चाहिए। हम तो आपका प्रदेशा में है। यह सब सुनकर जुनाजुन को बहुत क्रोध आया था। वे जल्दी से भाग लेना चाहता था, लेकिन सब गधे को मिलकर उनका रोका था। रोकने के बाद ये खूबसूरत छोटी गधे से उनका ब्याह किया। इसके बाद ये खूबसूरत गधा जुनाजुन को जंगल के अंदर में एक सुंदर राजमहल को दिखाया। ये खूबसूरत छोटी गधा ने जुनाजुन से कहा था कि तुम ये राजमहल की दरवाजा खोलो। वे बहुत क्रोध से दरवाजा खोला। राजमहल का अंदर बहुत सुंदर था। राजमहल में एक सोने की मूर्ति रहा था। यह सोने की मूर्ति लेकर उनकी सिर पर मारना कहा। जुनाजुन ने ऐसा किया। यह मारने के बाद खूबसूरत गधा एक बहुत सुंदर राजकुमारी बन गई। सब गधे बहुत खुशी से नाच किया। इसके बाद यह सुंदर राजकुमारी छोटी सी एक सोने की मूर्ति लेकर सब गधे की सिर पर रहा तो सब बदल होकर राज परिवार और सेवक बन गया। यह सब बहुत खुशी में पड़ गया। राजकुमारी बहुत खुशी से जुनाजुन को देखा। अभी जुनाजुन को अच्छी तरह जानता था कि वह असली एक राजकुमारी को ब्याह किया थे बल्कि नग्न था। जुनाजुन भी बहुत गुस्से में पड़ गया, लेकिन उनका संकट भी था क्योंकि राजकुमारी उनको पसंद न करेगा। लेकिन राजकुमारी जुनाजुन को बहुत पसंद किया था। सब कुछ उनको रसक मानता है। राजकुमारी जुनाजुन को अपना राजमहल का औषधशाला में ले लिया और आयुर्वेद की दवा या रसायन भी दिया। जुनाजुन ने रसायन या दवा बहुत पसंद के साथ दिया। जुनाजुन एक आयुर्वेद रसायन पीकर बहुत खूबसूरत शक्तिमान और बुद्धिशाली बन गई। इसके बाद
जिनाजिनू राजमहल की जेल में बंद किया राजा और रानी को मोचित किया। इसी समय दुर्मंद्रवादी इनका नाम चुड़ालन अपना मांद्री के दंड ना लेकर वह बाहर चल गया, मगर अभी वापस आया था। जंगल से वापस आया ये जादूगर दुर्मंद्रवादी सब कुछ जानकर बहुत क्रोध हो गया। बहुत क्रोध होकर राजमहल में प्रवेश करने के लिए कोशिश किया तो राज सेवक उसे रोका। रोकने से चदुलन बहुत क्रोध हो गया। उसी समय जुनाजिनू अपना सोने की मूर्ति ले लेकर उनको शाप किया। शाप करने के बाद चडुलन ने एक चूहा बंगी। चूहा होकर वह भाग जाने की कोशिश किया तो राजमहल की खूबसूरत बिल्ली ने उसका ऊपर चढ़कर पकड़ और मारकर खाया। सबको बेजाया रक्षा करने वाला जुनाजुनू को राजकुमारी के साथ राज्य भी मिला। उनका जादू घोड़े के साथ वे बहुत साल राज्य में अपना शासन किया।